कि आज फिर उसी मुल्क में ईद मनाई हमने, जा रहे थे जहां मुबारकबाद दी तुमने, तुम्हारी आंख भी नम थी, दुपट्टा पास ना था यूं, कहा मैंने सनम सुन लो विलख के रो रही हो क्यों, ना कुछ और कहना था ना कुछ और सुनना था, कसक से दिल की धड़कन थी, सनम रुक जा सनम रुक जा, वक्त जब रवानगी आया तुमने होंठ चलाया, कहा अब ख्याल खुद रखना, सफर सामान खुद रखना, हम तुमसे दूर भी होंगे बहुत मजबूर भी होंगे, तुम्हारे साल तो होंगे वापसी हाल जब होंगे, तो वतन को लौट आओगे साथ सामान लाओगे, हमें तुम भूल जाओगे, सगाई साथ कर लोगे हमें बर्बाद कर दोगे, मगर सुन लो जरा सुन लो, हम तुमसे प्यार करते हैं बहुत ऐतबार करते हैं, तुम्हें हम छोड़ नहीं सकते, मुंह अपना मोड़ नहीं सकते, हम अपना घर दिखाते हैं, सुनो रास्ता बताते हैं, फकत दो फूल ले आना, कब्र पर यूं चढ़ा जाना, जैसे हम दो जहां वाले थे कभी एक शहद के प्याले, बस इतना और तुम सुन लो, सलाम मेरा कबूल कर लो। वो लड़का जो परदेश को जा रहा है, वो क्या कहता है सुनिएगा, अरे सुन लो जरा सुन लो, ये जो तुमने कहा सुन लो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं भी एतमाद करता हूँ, हमें एक फूल जैसा हूँ, पड़ा मरहूम जैसा हूँ, पर खुले अल्फाज कहता हूँ, सुनो एक बार कहता हूँ, कर तुम वादा निभाओगी बहाना ना बनाओगी, वतन जब लौट आऊंगा तुम्हें अपना बनाऊंगा, शादी भी रचाऊंगा तुम्हें दुल्हन बनाऊंगा, सभी की आंखें क्यों है नम, मेरे पास वक्त है अब कम, वतन जब पहुंच जाऊंगा सभी को मैं बताऊंगा, कि अब मैं सलाम करता हूँ एयरपोर्ट अब निकलता हूँ, कि अभी घर से ही निकला था, सफर दरमियान ही पहुंचा था, अब उसकी कॉल आई थी, अपनी आवाज सुनाई थी, कहा तुम एक वफा करना, सफर की इत्तला करना, दुबई जब पहुंच जाना कल, मुझे पहले बताना कल, तुम्हारा इंतजार करूंगी मैं, वीडियो बात करूंगी मैं, मेरा दिल अब है घबराया, नजर क्यों एयरपोर्ट है आया, ड्राइवर ने कहा भाई उतरो एंट्री गेट है आया, कुछ ली सेल्फी सबने और गले से लगाया, दुआ की रब से फिर मुझको सबने समझाया, एयरपोर्ट जब छोड़ आए थे सभी ने चेहरा छिपाए थे, मैं था एक मासूम सा चेहरा, फिर क्यों आंसू बहाए थे, कि जब मैं दाखिल हुआ अंदर गजब का शोर था मंजर, कदम कैसे बढ़ाना है दूर तक बहुत जाना है, समझ कुछ और ना आया, जाके सिक्योरिटी को बताया, बात कुछ देर उसने की, हरारत उंगली से कर दी, तरफ उस ओर जाना है, वहां पासपोर्ट दिखाना है, पदार्थ जो तुम पर नशीले हों थमा दो तुम अभी हमको, वरना तुम पकड़े जाओगे जेल की हवा खाओगे, कि एंट्री जब हुई पूरी क्या रुक फ्लाइट की सीढ़ी, मेरा दिल धक धक धड़का था, बराबर सीट पर एक मासूम सा लड़का था, हाल कुछ अपना बताया, उसने भी दुख था सुनाया, कुछ मैंने छुपाया कुछ उसने छुपाया, पर साथ में खाना था खाया, सफर इस हाल में काटा, जैसे हो सदियों से कोई ना था, शुक्र वो मकाम नजर आया, विदाई का हाथ बढ़ाया, कसम तनहा हुआ अगेन, कि जब तक आ गई एक बहन, सफर में हाल सुनाया
खुशी से पहुंच गया और ड्राइवर ने छोड़ दिया उस साल, पर मेरा हाल था बेहाल। अब मेरा हाल सुनोगे क्या? किया जो काम सुनोगे क्या? मुख्तसर में कहूं समझ सकोगे क्या? अगर हाँ तो जारी पकड़ लो गया। वो पल में बीते साल बताऊं या सदियों से लंबी रात बताऊं, मैं तुमको अपने पास बताऊं या दूरी का एहसास बताऊं, था सफर या तन्हाई बताऊं, दो साल काटे या जुदाई बताऊं। खैर वो सब छोड़ो, बेपनाह खुशी थी। एक दिन ऐसा आया, कपिल ने पासपोर्ट मुझे थमाया था और कहा, जा जी ले अपनी जिंदगी, 2 महीने की छुट्टी, फिर वापसी बुलाया था। निकले खुशी के आंसू और बदन थर्रा रहा था। बात ये थी कि कपिल फिर से बुला रहा था, पर मैंने दिल में ठान लिया था, उसको अपना जान लिया था, वादा जिससे करके आया दुल्हन उसको मान लिया था, बस अब सबर से काम लिया था, सब घर का सामान लिया था, बच्चों खिलौने और बुजुर्गों का इंतजाम किया था, कहा अब अलविदा सबको और हुआ रवाना था। खुशी हर गम पे भारी थी, वतन कल पहुंच जाना था। इस लाइन में कुछ जलते हुए अल्फाज हैं, वो जलते हुए आप सोच सकते हैं कौन होगा, कि अब मैं घर की दहलीज पर आया तो कुछ को जलते हुए तो किसी को रोते हुए पाया, किसी ने बैग पकड़ा तो किसी ने कार्टून को संभाला, और बच्चे दूर बैठे थे, बहुत मजबूर बैठे थे, उन्हें परवाह नहीं कोई, क्योंकि वो भूल बैठे थे कि अभी कुछ बैठे ही थे, आकर घेर लिया सबने, कुछ पराए पास थे और कुछ दिखे अपने। आज सनम की शादी है, ये सभी के थे जपने, सदियों में बुने थे जो पल भर में टूट गए वो सपने। सलीम अब और क्या करता, गमी आंसू पिए हमने, समझ कुछ और न आया, वतन हिजरत लगे करने, और सुन आज फिर उसी मुल्क में ईद मनाई हमने, जा रहे थे पहली बार और मुबारकबाद दी थी तुमने।